मॉर्निंग हिंदुस्तान। दिल्ली चुनाव में पीएम मोदी की आज होगी एंट्री। कड़कड़डूमा इलाके में विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित। 8 तारीख को डाले जाएंगे वोट, 11 को आएंगे नतीजे। आज तालकटोरा स्टेडियम में एक विशाल रैली को संबोधित करेंगी बीएसपी सुप्रीमो मायावती। बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर साधेंगी निशाना। दिल्ली में अकेले लड़ रही है बीएसपी। सीएम योगी ने ओखला स्थित हरिकेश नगर में केजरीवाल पर बोला जमकर हमला। कहा शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों को बिरयानी खिला रहे हैं केजरीवाल। दिल्ली में नीतीश कुमार ने की पीएम मोदी की जमकर तारीफ। एक मंच पर नजर आए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान। भारत बांग्लादेश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास आज से 16 फरवरी तक चलेगी ये एक्सरसाइज। बैटल ड्रिल का भी होगा अभ्यास। आज अपने कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं कर्नाटक के मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा। 11 विधायकों को मिल सकती है मंत्रिमंडल में जगह। सबरीमाला मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। 9 जजों की बेंच सुनेगी मामला। 10 दिन के अंदर पूरी की जाएगी सुनवाई। जेएनयू में आज से शुरू हो सकती है पढ़ाई। जेएनयू छात्र संघ अभी भी कुलपति के विरोध में अड़ा। फीस वृद्धि के खिलाफ आंदोलन जारी रखने के दिए संकेत। निर्भया के दोषियों की फांसी पर रोक के खिलाफ केंद्र की अर्जी पर हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। सॉलिसिटर जनरल बोले आज दोषी कानून के साथ खिलवाड़ कर देश के सब्र की परीक्षा ले रहे हैं। लखनऊ में हिंदू नेता रणजीत बच्चन की हत्या पर पुलिस ने जारी की संदिग्धों की तस्वीर। 50,000 रुपए नकद देने का भी किया ऐलान। सूचना देने वालों की पहचान रखी जाएगी गोपनीय। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।